हेलो दोस्तों, मेरे नाम मोमशन में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में लेगो टेक्निक की एक पिस्टल दिखाऊंगा जो कि चलती है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि इस पे काफ़ी ज़्यादा रबड़ बैंड जुड़े हुए हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक ऐसी गन दिखाई थी जिसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी थी और दिखने में भी काफ़ी अच्छी थी। तो इस बार मैं उसका मैकेनिज्म तो यूज़ करूँगा पर उसका ही मिनी वर्जन है। आप इसे पिस्टल भी कह सकते हैं। वैसे पिस्टल दिखती तो वैसी नहीं है पर तब भी ये काफ़ी अच्छी चलती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ग्रन का टिगर है जो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये वही है जिसे हम इससे पीछे खींचते हैं। या इधर पूरा मैगजीन का यूनिट है। जब हम इसे पूरा का पूरा पीछे खींचते हैं तो मैगजीन ऊपर आ जाती है और फिर इसे पीछे करते हैं तो यहाँ पे आप देख ही सकते होंगे कि यहाँ पे मैगजीन होगी, ट्रिगर ये रहा। जब हम इसे पुश करेंगे तो ये सीधा बुलेट से लग के शूट होगी। इस गन में मैक्स बुलेट्स 6 हैं, आप जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। 3 ग्रे है और 3 ऑरेंज है। ये वैसे तो डिज़ाइन ही है। आप 2x1 का कोई सा भी पीस लेके इस पर मैगजीन का यूनिट डाल के इस पर इसे वर्क कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये वर्क कैसे करती है। मैं सारी बुलेट्स चलाऊँगा। सबसे पहले आप ये जो मैगजीन का यूनिट देख सकते हैं इसे इस तरफ से पीछे खींचिए। आप इसे कहीं पर भी रख सकते हैं, मैं अभी फ़िलहाल इधर ही रख रहा हूँ। ये जो पूरा मैगजीन का यूनिट है इसे इधर से अंदर डालिए और फिर स्टिक को बाहर निकाल लीजिए और फिर इसे वापस उधर रख दीजिए। तो इससे ये पता चलेगा कि ये रिलोडेड हो चुकी है। अब जैसे कि देख ही सकते हैं अभी रिलोडेड हो चुकी है। तो अब शूटिंग का टाइम है। चलिए अब हम ज़रा शूट करके देख लेते हैं कि कैसी चलती है ये। आपको तो पता ही होगा कैसे चलती है क्योंकि पिछले वीडियो में इसका वैसे मैकेनिज्म पर मैंने इसकी शेप वगैरह वगैरह सारा चेंज कर दिया है। चलिए अब देखते हैं कि शूट कैसे करती है ये। तो ये काम गन ऐसे करती है। इस पर स्कोप भी है छोटा सा। वैसे तो इस पर बिल्कुल फीचर वाला स्कोप नहीं है पर आप इस वाली लाइन को पूरा देख सकते हो जो कि बिल्कुल स्लांट जा रही है वाइट कलर की। ये छोटा सा पीस है, आप इसे स्कोप की तरह मान सकते हैं। आप इस गन को एक मिनी शॉटगन का वर्जन भी दे सकते हैं क्योंकि ये गन शॉटगन टाइप की भी चलती है। मैं आपको दिखा दूँ तो इसके 2 मोड्स हैं। एक तो पहले मैंने आपको दिखा ही दिया है, अब मैं आपको इसका दूसरा भी दिखा लेता हूँ। जब आप इसके अंदर मैगजीन पुट करेंगे आपको सारी की सारी चीज़ें सेम करनी है। जब ये गन रिलोडेड हो जाए तो आप इसे ऐसे ही कर दीजिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अब ये जो आप यहाँ पे इसके आगे देख सकते हैं पीस, ये ऐसे गोल घूमता है। आप इसे हल्का सा आगे कर दीजिए और फिर जब इससे बुलेट रिलीज होगी तो ये इसे रोक देगा। मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ कि शॉटगन का कैसे वर्क करता है ये। इसे पीछे खींचिए और ये ट्रिगर रिलीज हो जाएगा। इसे इसे पकड़ के ही रखिए आप। इसको हल्का सा ट्रिगर कर दीजिए, इस बुलेट को आगे हो जाएगी और यहाँ पे एक और बुलेट आगे आ जाएगी। तो ये ऐसे रिलोड हो गई। अब जब आप इस चीज़ को हटा देंगे तो ये बिल्कुल शॉटगन जैसी काम करेगी। मैं आपको दिखाता हूँ, इसके इसके साथ साथ एक साथ बुलेट निकलेगी। जैसा कि आपने देखा कि इसमें से 2-2 बुलेट्स निकली है। मैं आपको सारी की सारी चला के दिखाता हूँ। इसे वापस ऐसे पीस को आगे कीजिए, एक बार खींचिए इसे आगे और फिर दोबारा इसे पीछे खींचिए ट्रिगर के पास। तो ये आप यहाँ पे देख ही सकते होंगे कि ऑरेंज और एक ग्रे कलर की बुलेट है। आपको हल्की हल्की दिख रही होगी पर मेरे को यहाँ से दिख रही है। इसे नीचे कीजिए पीस को और इसे शूट कर दीजिए। वापस इसे खींचिए, पीछे खींचिए दोबारा और ये हो जाएगी ऐसे शूट। तो चलिए अब हम ज़रा देख भी लेते हैं कि टारगेट से कैसे चलती है।
आप जैसे कि देख सकते हैं जहाँ पे मैं स्कोप लगा रहा हूँ सिर्फ उन्हीं पीसेस को लग रहा है। अभी अभी मैंने आपको शूट करके दिखाई वैसी जहाँ पे मैं ये वाइट कलर का ये जो आप देख सकते हैं स्कोप उधर ही लगेगा। अब मैं उस वाले दोनों जगहों पे मार दूँ तो आप देखेंगे कि दोनों गिरेंगे, तो इसकी एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी है जैसा कि आप इस पर देख ही सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये शॉर्ट गन में कैसे काम करती है। अब जैसे कि देख ही सकते हैं कि बिल्कुल निशाने पे लग रही है। वैसे तो शॉटगन टेढ़ी मेढ़ी जाती है पर इसकी जो एक्यूरेसी है इसकी शॉटगन के हिसाब से ये बिल्कुल उसी टाइम पे जाती है। जैसा कि आपने देखा ये दूसरी और तीसरी बारी में बिल्कुल सेम टाइप की गई है, जहाँ पे मैं मार रहा था दोनों को लिए उसी जगह पर गई है। अब तीसरे राउंड में मैंने आपको दिखाया ही है कि सेकेंड लास्ट वाली रो में जब मैंने उसके मारा था तो उसके साथ साथ उसी के पीछे दूसरा पीस आ रहा था, तो इसकी जो एक्यूरेसी वो शॉटगन जैसी है तो नहीं पर ये शॉटगन जैसी चलती है जैसे दो गोली। तो बाय गाइज, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।